जनता पार्टी की जिस स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, हमारे संविधान के मुताबिक हम हर 3 महीने बाद बैठते हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी होगी, उसके बाद मंडल कार्यकारिणी होगी। आज कुछ मुद्दों पर जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर चिंता हुई है, और इसके बाद हम लोग आने वाले समय में जो कार्यक्रम पार्टी अपने जिलों और मंडलों और बूथ पर देगी उसको पूरा करने के लिए हम लोग सीमा निश्चित करेंगे, और 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है उसको मनाने के लिए हर बूथ पे वो मनाया जाए, ऐसा आज भी हम लोग व्रत लेंगे और कार्यकर्ता को आग्रह करेंगे कि ये दिन हर बूथ पे अच्छी तरह मनाया जाए। जो यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन है, 3 साल हमारी सरकार को पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में हमने रैली भी की थी, तो वहाँ भी मैंने एक बात कही थी कि वो समय था जब केंद्र से कोई ग्रांट आती थी तो कुछ परिवारों को पता होता था, लेकिन आज जितनी भी केंद्र से ग्रांट आती है वो सारे जनता को पता होता है और कहाँ लगे उसका भी पता होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ आया है, तो भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि हम लोग जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का पूरा विकास हो, उसके लिए मैक्सिमम केंद्र से भी योजनाएं आए और स्टेट भी अपना पूरा योगदान दे, इस ढंग से जो है वो हम लोग लगे हुए हैं, और आने वाले समय में जितने भी विकास कार्य शुरू किए हैं वो गति पकड़े, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, वहाँ पर जो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग है, उसके लिए 3 ADCs जो है वहाँ पर अपॉइंट किए हैं, बाकी पूरे प्रदेश में हमारी नज़र है जहाँ जहाँ कोई जरूरत किसी भी तरह की हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात नहीं करता, कहाँ जहाँ जहाँ कोई जरूरत हो, मैंने पहले भी कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर वहाँ के विकास में जा वहाँ की समस्या को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, लोगों में अगर हम अपना रिपोर्ट कार्ड देखें, हम लोग आपको इन राइटिंग भी देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है तब से ही हमने एक सिस्टम बनाया है कि हर साल राज्य सरकार भी, जहाँ जहाँ हमारी राज्य सरकारें हैं वहाँ पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास जाता है। इवन हमारे MLAs आज भारतीय जनता पर वो जो कमियाँ है उसको पूरा करके एक ऐसा रूप देना शुरू किया है, लोग आज याद रखेंगे कि एक ऐसा शासन था जहाँ लोगों के मन की बात के अनुरूप विकास हुए हैं और विकास हो रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म की राह नहीं छोड़ेगा, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक परम स्टैंड है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की राह नहीं छोड़ेगा केंद्रीय सरकार कोई बात नहीं करेगी। आपने देख लिया कितनी बार कई नेताओं ने यहाँ से कहा, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वो ही है, वो आप लोगों को बांट दिया जाएगा, और संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना, इन बातों के साथ साथ यहाँ का जो पॉलिटिकल सीन है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। जहाँ पर गठबंधन सरकार है हम मजबूती से यहाँ के विकास के लिए कार्य करें, वो अपने